हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों कि कोई भी इमेज अगर आपको व्हाट्सएप में सेंड करता है या किसी के मोबाइल में है, ठीक है, उसे आप कॉपी करते हैं या व्हाट्सएप से डाउनलोड करते हैं और फोटोशॉप में अगर आप ले जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है दोस्तों कि वो फाइल खुलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि वो फाइल फोटोशॉप में ओपन नहीं होगा, एरर मार देगा। ठीक है दोस्तों, तो उस फोटो को हम कैसे सही करेंगे ताकि मेरा फोटोशॉप में ओपन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज़ आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, अच्छे से देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए और कभी आप कोई प्रॉब्लम में, इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपके साथ आता है तो उसे आप अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम एक कोई सा इमेज ले लेते हैं। एक हमने आधार कार्ड ही लिया हुआ है। ठीक है, ये आधार कार्ड को हम दिखाते हैं आपको कि अगर हम इसे ओपन करें, ये देखिए हमने ओपन पे क्लिक किया, देख सकते हैं क्या लिख दिया, कुल नोट कम्प्लीट योर रिक्वेस्ट विकाउच SOFN डिटेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये JPEG में एंटर करके मैसेज आता है, तो इसे आप हम कैसे ठीक करेंगे ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, कैसे ठीक किया जाता है इसको हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ से बैक हो जाना आपको, और जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जहाँ पे आपने इमेज को कॉपी किया, डाउनलोड करके रखा हुआ, उस पर चलना है। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, सिंपल फंडा बता रहे हैं दोस्तों आपको हम नॉर्मली एकदम, जो आप कोई भी बंदा, न्यू फ्रेशर बंदा भी हुआ, आसानी से इसको कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से राइट क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद देखिए आप नीचे आइएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे ओपन विद। ठीक है दोस्तों, ओपन विद में आपको जाना है, यहाँ पे पेंट देख रहे हैं, पेंट में आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये पेंट में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर दिया, उसके बाद करना क्या दोस्तों, यहाँ पे फाइल में जाना है आपको, फाइल में जाकर सेव एज। ठीक है, सेव एज यहाँ पे दिया हुआ, बहुत सारा आप पिक्चर में सेव कर सकते हैं, आप PNG पिक्चर है, JPEG पिक्चर है, ठीक है, GIF पिक्चर है, आप किसी में सेट कर सकते हैं, PNG में सेव करने से बेटर होता है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा PNG में। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या कीजिए दोस्तों, डेस्कटॉप में सेव कर दीजिएगा। ठीक है, ये सेव हो गया। आप देखिए दोस्तों, हम आते हैं दोबारा फोटोशॉप में और यहाँ से वही इमेज लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो फोटो जो है हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने क्या किया इस वीडियो में, सीधे से फंडा है आपको, राइट क्लिक करना है डॉक्यूमेंट पर और ओपन विद में जाना है, उसके बाद फ्रेंड में जाकर सेव एज JPEG में सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी आधार कार्ड पर ही होगा। ठीक है, उसे हम कैसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे वो आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।